नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस सन में आज एनडीए का पेपर जो हुआ है उसके जीएस के पार्ट का हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएं और बहुत ही कम समय में सटीक आंसर देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीएस का जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग पहले साइंस के पोर्शन को करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है वो ह्यूमिडिटी के विषय को कवर करेंगे। तो पहले हम लोग साइंस से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अप्रोक्सीमेटली। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो एक बेसिक सब्सटेंस होता है जिसका पीएच लगभग जो है वो 10 के आसपास होता है, यानी इसका ऑप्शन आपका क्या है, सी है। इसको हम लोग एंटासिड के नाम जानते हैं, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यानी कि फोटोग्राफी में किस प्रकार के कंपाउंड का यूज करते हैं। तो कई बार बताया गया सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर आयोडाइड आपको पता है कि ये आपका जो एसिड रेन होता है, सॉरी जो आपका आर्टिफिशियल रेन होता है उसमें कराया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो उसमें हाइड्रेटेड कंपाउंड होता है ये, जिसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, FeSO4 7H2O। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर। यानी कि आप जब भी क्या करेंगे कि लाइम वाटर के थ्रू CO2 को पास करेंगे तो उसका कलर दूधिया हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, यानी कि इसका आंसर आपका सी है। अगला आंसर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड एट नॉर्मल प्रेशर। तो नॉर्मल प्रेशर और रूम टेम्परेचर पर दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, एक मेटल मरकरी और एक नॉन मेटल ब्रोमीन। ये दोनों जो है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट एंथ्रासीन फ्रॉम अ मिक्सचर सॉल्ट एंड एंथ्रासीन। यानी कि नमक और एंथ्रासीन का अगर मिक्सचर है तो उसमें हम एंथ्रासीन को कैसे निकालेंगे। तो एंथ्रासीन की प्रॉपर्टी होती है कि सीधे क्या होती है, सॉलिड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड नहीं बनती है। तो जब कोई चीज सीधे सॉलिड से लिक्विड हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो सब्लिमेशन प्रोसेस से क्या करेंगे, हम सॉल्ट और एंथ्रासीन के मिक्सचर से एंथ्रासीन को सेपरेट करेंगे, यानी कि आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूट ऑफ प्लांट्स शो अपवर्ड मूवमेंट एंड इट कैन बी डिजाइनेटेड टू बी। तो जो प्लांट में दो पार्ट होते हैं, जमीन के नीचे वाला हिस्से को हम लोग रूट कहते हैं और जमीन से ऊपर वाले हिस्से को हम लोग सूट कहते हैं। तो सन के अलोंग जो चीज जाती है उसको हम लोग फोटो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज कहते हैं, और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता के अलोंग जाता है उसको हम लोग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज कहते हैं। क्योंकि सूट जो होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, नेगेटिविटी की ओर जा रहा है, इसीलिए वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो जाता है। तो सूट हमेशा क्या होगा, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, और जो रूट होता है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, यानी कि 107 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। फोटोसिंथेसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, उल्टा हो गया, लाइट एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं रिड्यूस होती है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आंसर सही है, क्योंकि वाटर जो होता है इस पे जब एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन का इस पे इफेक्ट पड़ता है तो ये ऑक्सीजन में टूट जाता है और H+ आयन देते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ जो वाटर होता है इसको कहते हैं फोटोलिसिस, उसी की वजह से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, हाउ आर एवरग्रीन प्लांट विद वुडी स्टेम हैव नेकेड सीड क्लासिफाइड। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो एवरग्रीन प्लांट होते हैं, सदाबहार जो पौधे होते हैं, उनकी स्टेम जो होती है भी जो होती है वो कास्टी यानी कि उड़ी होती है, और उसके जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। तो जहां पर नेकेड सीड की बात आ जाएगी उसका हमेशा क्या होगा, जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड, तो जिसके सीड नेकेड होंगे उसको जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी, जैसे आपका जिंगो बाइलोबा हो गया, पाइनस हो गया, साइकस हो गया, आपका एफेड्रा हो गया, साइगोपाम हो गया, ऐसे प्लांट इसमें आपके आ जाएंगे। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज नोन एज बेसिक पैकिंग टिश्यू एंड फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपको पता है कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा आर द, ये क्या है आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, ये भी आपके क्या है, ये आपके परमानेंट सिंपल टिश्यू हैं, यानी कि एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं, बट जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो क्या है, परमानेंट और कॉम्प्लेक्स हैं। तो वेसल्स जो होती है वो दोनों में पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम वेसल्स और फ्लोएम वेसल्स, जो बेसिक पैकिंग टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग जनरेटर का यूज करते हैं, जनरेटर क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक करंट को बनाने का काम करता है, जनरेट करता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन वेयर एन इमेज ऑफ। तो मायोपिया जो होता है एक प्रकार का आपका, नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना, यानी कि जो नजदीक की जो वस्तुएं होती हैं वो रेटिना से पहले फोकस हो जाती हैं, और इसलिए जो है वो, सॉरी, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना, दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो रेटिना पर पहले बन जाती है और निकट दृष्टि दोष हो जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, आपका सी, इसको आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट इज अ फेनोमेना। टिंडल इफेक्ट जो होती है स्कैटरिंग की वजह से होती है, और स्कैटरिंग जो होती है किसमें, कोलाइडल पार्टिकल के स्कैटरिंग के कारण क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है, और उसी में आप देखेंगे तो ब्राउनियन मूवमेंट भी होगा। टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट जो होते हैं दोनों शो करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल का नेचर होता है, टिंडल इफेक्ट भी होती है उसमें, और कोलाइडल मूवमेंट के साथ साथ उसमें टिंडल इफेक्ट और क्या कहते हैं उसको, आपका जो है वो रैंडम जो मूवमेंट होगा वो भी उसमें होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज प्राइमरली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक। तो तारों का चमकना जो होता है वो पूरी तरह से रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, क्योंकि जब ऊपर से लाइट चलती है किसी तारे से तो कई माध्यम से गुजरती है, और आपको पता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जब गुजरेगी तो थोड़ा सा क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसी से क्या होता है कि वो तारे को, हमको लगता है कि वो टिमटिमा रही है, तो इसका सही आंसर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कॉर्निया इन ह्यूमन आई। तो कॉर्निया जो होती है, आपने देखा होगा कॉर्निया जो होती है वो बाहर की जो लेयर होती है, जो अंदर सन को, लाइट को अंदर जाने के लिए क्या करती है, वो उसको एक फोकस प्रदान करती है। तो इस अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है, कॉर्निया एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है, और सबसे ज्यादा जो ट्रांसप्लांटेशन होता है आई ट्रांसप्लांटेशन में, वो कॉर्निया का ही किया जाता है। इसमें ना तो ब्लड वेसल्स होते हैं, प्रोटीन और जो सेल्स होते हैं आपकी, वो रेटिना में होती है, जैसे आपकी जो रॉड और कोन सेल होती है वो कहाँ पर होती है, रेटिना पर, जहाँ पर इमेज बनती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज। तो अगर फोकल लेंथ जो है किसी लेंस का 25 सेंटीमीटर है तो पावर क्या होगी, तो पावर बराबर होता है 1/f, और यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो इसको 100 कर देंगे, नीचे 25 यानी 4 प्लस 4 डायोप्टर का, पावर का जो यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इन द स्टमक ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइक कैटल, बफेलो, गोट एंड सीप। तो आप ध्यान रखिएगा, इनमें जो होता है पहला चैम्बर र्यूमेन होता है, दूसरा रेटिकुलम होता है, तीसरा ओमेसम होता है, और चौथा एबोमेसम होता है, एबोमेसम, यानी कि चार स्टेम के पार्ट जो होते हैं आपके कैटल्स में। हम लोगों में तीन पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा होगा उसमें, एक तो आपका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है कार्डियक, और पेल्विक जो आपका बीच वाला हिस्सा होता है, और पाइलोरिक और फंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक, इनमें चार रीजन होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। 134 में है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आर मेन सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स।
जो हमारे इंटेस्टाइन में यानी कि हमारे गट में कौन जो बैक्टीरिया किस प्रकार के विटामिन का निर्माण करते हैं। तो विटामिन B12 और विटामिन के का निर्माण करने के लिए हमारे इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल करेक्टर्स। फीमेल्स में दो हार्मोन्स होते हैं, एक इस्ट्रोजन और एक आपका प्रोजेस्टेरॉन। इस्ट्रोजन जो होता है वो इसको फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इस फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं उनके लिए इस्ट्रोजन जिम्मेदार होता है, और प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए प्रोजेस्टेरॉन। जबकि मेल में क्या होता है आपका जो टेस्टोस्टेरॉन होता है एंड्रोजन, वो मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, ये क्वेश्चन आपके हो गए थे, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। बयांसी इज एन, बयांसी क्या होती है, उत्प्लावनता जो होती है वो ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है उसको हम लोग बयांसी कहते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंस। जब कोई भी कार एक सर्कुलर पाथ पर एक समान गति चलती है, तो आपको पता है कि जब वो एक सर्कुलर पाथ पर चलेगी, ये मान लीजिए कार यहाँ पर है, तो अभी इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। यहाँ कार आएगी, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। यहाँ पे कार आएगी, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। यहाँ पे कार आएगी, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं बार बार डायरेक्शन बदल रही है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या है कि वो आपका वेलोसिटी में जो होती है वो डिस्टेंस पे नहीं डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, कभी भी स्पीड चेंज नहीं होगी। और क्यों क्यों, क्योंकि उसमें डायरेक्शन जो होती है मोशन की वो चेंज हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ, 1 जूल वर्क कब होगा, तो जब 4 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 25 सेंटीमीटर। आपको पता है कि W बराबर Fs होता है, फोर्स यहाँ पे 4 न्यूटन है और आपका जो डिस्प्लेसमेंट 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हमको किस में लेना होगा, मीटर में, तो 0.25 हो जाएगा, यानी कि 25.25 × 4 = 1 जूल। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली इन्फेक्शियस डिजीज स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स जो होता है हमेशा वेरियोला वायरस से होता है, ध्यान रखिएगा। चिकन पॉक्स जो होता है वो आपका वेरिसेला वायरस से होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 113 का बी। अगला क्वेश्चन आपका, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स रिक्वायर, फंडामेंटल लॉ जो है फिजिक्स का रिक्वायर करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम एंड चार्ज। तो इसका आंसर सी हो जाए, डी हो जाएगा। डिफरेंट वेरियंट ऑफ सेम जीन आर कॉल्ड, एक ही जीन के डिफरेंट जो वेरियंट को हम लोग क्या कहते हैं, एलिल्स कहते हैं। जैसे एक जीन किसी कैरेक्टर टॉल के लिए है, तो एक टॉल के लिए क्या होगा, एक लंबाई के लिए दो जीन होंगे, टॉल और ड्वार्फ। तो ये इसके दो एलिल हो गए। जैसे ABO ब्लड ग्रुप में है, ब्लड ग्रुप जीन ए, जीन बी और जीन ओ, तो ये क्या है, एक ही ब्लड ग्रुप के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिल्स होते हैं। तो सेम जीन के डिफरेंट वेरिएंट को हम लोग क्या कहते हैं, एलील्स, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड विद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। वेट और मास जो है वो ऑब्जेक्ट का डिफाइन करने के लिए न्यूटन्स का जो है लॉ है उसके लिए कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर है सी, मास इज नॉट अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मास जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी पे कांस्टेंट नहीं होता है, बाकी जो है सही आंसर है। ग्रोथ ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट इंक्रीज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेल इन, तो जो भी मेरिस्टेम सेल होती है 3 तरह की होती हैं, एक आपकी जो ऊपर होती है एपिकल, और जो यहाँ पे होंगी जो साइड में वो इंटरकैलरी, और जो नीचे वाली होती है लेटरल साइड में लेटरल। तो ग्रोथ यानी कि चौड़ाई बढ़ाने का काम कौन करती है, ऐसा लेटरल मेरिस्टेम करती है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं,
Fluorine occurs in nature in two isotope form of measure 25U and 27U in the ratio of 3:1 respectively. What is the average atomic mass of the chlorine? तो क्लोरीन ये सब भूल जाइए, मेन चीज क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन का जो है एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, तो इसका 35.5U होता है, ये आप सबको पता होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिटरमाइंड। तो एंटी क्लॉकवाइज की जब बात होती है तो राइट हैंड थंब रूल एंड इट वुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सी आंसर इसका आपका सही होता है, तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, कोई भी न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाला सेल को हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं, उसके बाद वाला एल कहते हैं, उसके बाद वाला हम लोग एम कहते हैं, और रूल क्या है भरने का, 2n² n क्या है नंबर ऑफ सेल, तो ये तीसरा हो जाता है आपका, m क्या है तीसरा है, तो 3 2 6 2 8 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए m में, सी आंसर इसका आपका सही। सिनाबार इज एन ओर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो सिनाबार आप लोग रटा होगा आप लोगों ने, जो आपकी मरकरी होती है, मरकरी का जो ओर होता है वो क्या है आपका, वो सिनाबार होता है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से आयरन स्टील को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, और गैल्वेनाइजेशन में हम लोग जिंक का लेप कराते हैं, आपने पढ़ा होगा गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, जिंक का उस पर हम लोग कोटिंग करते हैं, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने बताया कि जब किसी एटम पर हम लोग क्या करते हैं अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर रहे थे, तो बहुत सारे जो है वो रेस क्या हो गई, बीच से सीधे वापस आ गई थी, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ था, वो क्या था, न्यूक्लियस था, तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बारी करके न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की थी, यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आयोडीन का भी 127 का भी यूज करते हैं, सोडियम का भी यूज करते हैं, सोडियम 23 का भी यूज करते हैं, और कोबाल्ट 60 का भी यूज करते हैं, तो हो सकता है कि इस आंसर इसका जो है सही आंसर आपका पूछ रहा हो कि नहीं है और गलती से दे दिया हो, और यूरेनियम इसका अगर नहीं पूछा है तो इसका से यूरेनियम होगा, क्योंकि तीनों का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, बट अगर यही आंसर है क्वेश्चन है तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर हम क्या लगाएंगे, कोबाल्ट 60, क्योंकि कोबाल्ट 60 का जो है वो यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वैसे ये सभी सही है तीनों, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, कोबाल्ट है, हो सकता है यूपीएससी इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर कोबाल्ट दे दे या इसको हटा दे, इसको ध्यान रखिएगा। थ्री इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में जब है तो 1/R + 1/R + 1/R1 R2 R3 हो जाते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, ये आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ट्विंकलिंग वाला हो ही गया था आपका, ये वाला पोर्शन हो गया था, ये वाला पेपर आपका हो गया था पूरा, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव के प्रोपागेशन के बारे में कौन सत्य है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, कभी निर्वात में साउंड ट्रेवल नहीं करती, सही है, एंड इट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसकी जो मीडियम की डायरेक्शन और जो आपके जो मीडियम की डायरेक्शन है वही वेव की डायरेक्शन होती है, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर आपका बी होगा। What is the total number of covalent bond in the methanol? तो methanol में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 covalent bond, 2 covalent bond, 3 covalent bond और 4 covalent bond। तो methanol में total 4 covalent bond है, यानी कि option इसका B is correct. Which one of the following is ion is not isoelectronic? Isoelectronic मतलब क्या होता है, इसमें number of electron समान हो। तो O-2 यानी कि इसमें भी same होंगे, इसमें अगर N माइनस 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 होता तो इसमें क्या हो जाते जो है वो नाइट्रोजन में आपके 5, 6, 7 और 8 हो जाते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि केवल एक है, यानी कि यहाँ पे 6 हुए हैं, यानी कि इसको छोड़ करके बाकी सभी जो है वो आयरन फ्लोरीन माइनस से सेम इलेक्ट्रॉन रखते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन।
रिवरेंस इज अ फिनोमेनन एसोसिएटेड विद. तो रिवरेंस जो होता है वो क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड. जब साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है तो जैसे आपका जो आला वगैरह जो होता है स्टेथोस्कोप इसी सिद्धांत पर काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है An object of mass 2000 kilogram possesses 100 joule kinetic energy. The object must be moving with the speed of. तो इसको निकालेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. Nuclear energy is generated by. तो nuclear energy जो है nuclear fission and its expression was proposed by the Einstein. आप सभी ने E is equal to mc square पढ़ा होगा, mass decay पढ़ा होगा. तो mass decay ही क्या है nuclear energy के generation का एक main reason था. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा. अगला आंसर है क्वेश्चन, टेनिस बॉल इज थ्रोन इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड द बॉल अटेन अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर. द बॉल वाज थ्रोन एप्रोक्सीमेटली विद एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी 20 मीटर पर सेकंड. स्फेरिकल मिरर फार्मूला रिलेटिंग एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इमेज डिस्टेंस वी एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर एफ मे बी अप्लाइड टू अ प्लेन मिरर व्हेन. तो इसका आंसर है फोकल लेंथ गोज टू इनफाइनिटी. फोकल लेंथ गोज टू इनफाइनिटी यानी कि इसका ए आंसर आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट है, नेगेटिव वर्क इज डन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स एफ एंड द करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट एस आर. तो कोई भी वस्तु जब हम क्या करते हैं कि एंटी पैरेलल डायरेक्शन में लगाते हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, इधर का मान लो एफ ए है, इधर का मान लीजिए क्या है एफ बी है. तो नेट फोर्स जो आपका हो जाएगा वो एफ ए माइनस प्लस माइनस एफ बी. तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ ए माइनस एफ बी, तो हमेशा नेगेटिव में हो जाएगा. तो ये नेगेटिव वर्क जो होगा वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका आपका सही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स. ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, दीज आर द स्प्रिंग, दीज आर द कंजर्वेटिव फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट द कंजर्वेटिव फोर्स. तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा. नेक्स्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज. प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है और आपका सेम साइज का बनता है. तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली शो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. तो किसी भी ग्लास प्रिज्म से कोई भी लाइट अगर जाती है तो क्या होगी, पहले उसकी जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, हर डिविएशन होता है इसमें, हर बार डिविएशन होगा. तो इसका चारों में सही आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा. नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ रेशियो बिटवीन थ्रस्ट एंड इम्पल्स. थ्रस्ट एंड इम्पल्स जो रेशियो होता है वो फ्रीक्वेंसी के सेम होता है, इसको आपको याद रखना है. सही आंसर है उसका, ए हो जाएगा. व्हेन अ लाइट बीम फॉल ऑन अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म बैंड ऑफ कलर इज ऑब्टेन्ड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रिजिड इन दिस रिकॉर्ड. तो जब भी कोई भी सनलाइट या कोई व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म में पड़ती है तो वो क्या होती है, वो स्कैटरिंग हो जाती है सात रंगों में, बिबजोर में. सबसे ज्यादा डिविएशन जो होता है वायलेट का होता है. क्यों? क्योंकि ग्लास के लिए जो वायलेट कलर है सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेंस उसका होता है. तो वायलेट लाइट बेंड द मोस्ट एज द रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ ग्लास फॉर वायलेट लाइट इज ग्रेटर. तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जो आपका जिप्सम होता है उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दिए जाते हैं one and half, तो वो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है. तो ये आपका जिप्सम है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कि इसका सही आंसर ए है, इसको आपको याद रखना है. तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे जनरल साइंस के जो एग्जाम में आपके पूछे गए थे. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और अपने टैली कर लीजिएगा. आई थिंक आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछे गए थे, बहुत ही कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे, हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे. तो आप लोगों का अच्छा गया होगा. इसको आपको ध्यान रखना है. इसी के साथ हम लोग दूसरा बात करते हैं यहाँ पर.
अगर हम बात करते हैं जीएस के पेपर की, तो इसको आप यहाँ पर देख पाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलो विच वन फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग प्लेनेट इज लार्जेस्ट इन साइज, इन चार में सबसे बड़ा आकार किसका है। तो सबसे छोटा होता है आपका मरकरी, उसके बाद मार्स, उसके बाद वीनस, और उसके बाद क्या होता है अर्थ होता है, उसके बाद नेपच्यून होता है। तो इन चारों में सबसे बड़ा क्या है आपका अर्थ, यानी कि ए ऑप्शन इसका आपका सही है। इसमें लिस्ट करनी थी प्लेस और फीचर। मुंबई को हम लोग बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, विशाखापत्तनम को हम लोग लैंड लॉक्ड हार्बर कहते हैं, चेन्नई को हम लोग ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं, और कोची को क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहते हैं। यानी कि अगर चारों को मिलाया जाए तो आपका सही आंसर क्या आ जाता है, इसका बी आता है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेटर लेक इन द इंडिया। क्रेटर लेक का मतलब होता है कि ऐसा लेक जो ज्वालामुखी बनने के बाद, जो ज्वालामुखी खत्म हो चुका हो, उसका जो क्रेटर बचता है उसे पानी भर जाए, झील बन जाए। तो महाराष्ट्र में लोनार झील है जो एक इंडिया की क्रेटर लेक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया था कि फाइन ग्रेन्ड बेड ऑफ फिमेरल लेक इन अ डिजर्ट इज आल्सो नोन एज, यानी कि जो डिजर्ट में जो इफेमरल लेक्स होते हैं फाइन ग्रेन्ड बेड के, उनको क्या कहते हैं। तो प्लाया कहा जाता है हमेशा, डिजर्ट में जो भी लेक होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं। तो ए आंसर सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को कौन सा फैक्टर प्रभावित नहीं करता है। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन करेगा, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन करेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, एबिलिटी ऑफ ग्राउंड सरफेस टू अलाउ वाटर टू इनफिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड वाटर सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी करेगा। ग्राउंड वाटर सिस्टम जो है वो इनफिल्ट्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी करेगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी करेगा। क्यों करेगा, तो इसका सही आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, देखो जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज्यादा बारिश होगी, और जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ज्यादा क्या होगा आप जो है पानी जमीन के नीचे जाएगा। तो इसमें डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी जो होगा वो ग्राउंड वाटर को डिपेंड नहीं करेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन 35 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि जो 1974 में जो 35 अमेंडमेंट हुआ था वो सिक्किम राज्य के लिए हुआ था। सिक्किम राज्य को जो है वो भारत में जोड़ा गया था, एक राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये सिक्किम के लिए था, इसको आपको ध्यान रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया, तो इंडिया में जो चुनाव होते हैं तो वही लोग जीतते हैं जिनको सबसे अधिक मत मिलता है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के आधार पर भारत में सबसे अच्छा जो चुनाव का एक सिस्टम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जस्टिसेबल राइट, इनमें से कौन सा एक नॉन जस्टिसेबल राइट है। राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जिसका जिसके लिए हम न्याय के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, तो राइट अगेंस्ट पर्सन कर सकते हैं, राइट ऑफ एक्सक्यूज एक्यूज के लिए कर सकते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए, राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड के लिए हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट, इसे कौन सा एक रिट है। तो चार रिट होते हैं, मैंडमस होता है, हैबियस कार्पस होता है, सर्टिरारी होता है, और आपका क्यूरेंटो, क्यूरेंटो, तो इसमें क्यूरेंटो नहीं लिखा है, अगर क्यूरेंटो होता तो वो चौथा हो जाता, सेवरेबिलिटी जो है वो आपका जो है वो रिट नहीं होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट में आता है, राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय द माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी के लिए इंस्टीट्यूट के लिए बिल्कुल है, राइट टू बी कन्फर्म्ड विद टाइटल्स, यहाँ पर राइट कन्फर्म उपाधियों का अंत किया गया है, यानी कि उपाधि को ले नहीं सकता है, तो ये आप गलत हो जाएगा। राइट अगेंस्ट एंटिसिबिलिटी, अस्पष्टता का अंत 17 अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का मतलब फंक्शन यानी कि कार्य नहीं है? टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स, ये इंश्योर करना कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग ही आएंगे, ये काम नहीं है। और इसी वजह से क्या होता है कि भारतीय जो भारतीय किसी भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी समाज में किसी भी देश में अपराधी जो है वो राजनीति में आ जाते हैं, पावर जिनके पास पावर होती है वो आ जाते हैं। तो ये आपका सही स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडायवर्सिटी इज नॉट करेक्ट, बायोडायवर्सिटी के बारे में क्या सही नहीं है? तो टर्म बायोडायवर्सिटी वाल्टर सी रोजन ने 1986 में दिया था, सही है ये। टर्म बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो नॉर्मन मेयर ने 1988 में दिया था, ये भी सही है। रीजन्स हैविंग रिचेस्ट बायोडायवर्सिटी इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहाँ पे सबसे ज्यादा रिचेस्ट बायोडायवर्सिटी होती है उसको हॉटस्पॉट कहते हैं। मोर देन 100 हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी आर आइडेंटिफाइड इन द वर्ल्ड, ये गलत है। दुनिया में अभी तक टोटल 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनमें से 4 इंडिया में है। तो डी इज नॉट करेक्ट, इसको आपको ध्यान रखना है। द अर्थ एटमोसफेयर इज मेनली हीटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो सूर्य से आने वाली किरणें जो होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंसुलेशन कहते हैं, वो पहले अर्थ को गर्म करती है। अर्थ जब गर्म हो जाती है तो यहाँ से जो है लॉन्ग वेव्स निकलती है जिनको हम लोग टेरेस्ट्रियल कहते हैं, ये एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म करने का काम कौन करते हैं? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ लेयर एज द मूव फ्रॉम द अर्थ सरफेस अपवर्ड, हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमको कौन कौन से एटमॉस्फेयर की लेयर मिलेंगी? तो पहले मिलता है ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर आपका थर्मोस्फीयर। तो ये ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर के लिए आपको ध्यान रखना होगा। एक तो रॉक, पेरेंटल रॉक जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसको बेड रॉक कहते हैं। वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमन हैबिटेशन जो है वो सॉयल के लिए डिपेंड उसके लिए जो है फैक्टर के रूप में नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर एग्जैक्टली होता क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो अर्थ है वो सबसे ऊपर आपका कोर होता है, अपर कोर होता है, सबसे पहले क्रस्ट होता है, क्रस्ट के बाद अपर मेंटल होता है, फिर उसके बाद लोअर मेंटल होता है, फिर आपका अपर कोर होता है, और उसके बाद आपका जो है इनर कोर होता है। तो जो आपका क्रस्ट और जो है लोअर मेंटल अपर मेंटल, क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला करके क्या कहा जाता है आपका, ये लिथोस्फीयर कहा जाता है इसको। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस फ्रॉम ग्रीनविच मीन, तो जीएमटी से सबसे अधिक जो है टाइम डिफरेंस जो है वो किसका है ग्रीनविच से? अगर आप देखेंगे तो इंडिया है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, और यहाँ पर श्रीलंका है जो इसके इंडिया के आसपास में है। तो भूटान देखिए सबसे पूरब में है, और जितना पूरब में कोई देश होगा वो ग्रीनविच से उतनी ही डिफरेंस टाइम का उसका होगा, क्योंकि भूटान के बाद इंडिया और दूरी पर है, बट इंडिया का जो टाइम मेरिडियन है वो भूटान से पहले जो है यहाँ पे आ जाता है नैनी अलाहाबाद के पास से, जो भूटान के पश्चिम में पड़ता है। इसलिए अगर डिफरेंस देखा जाए कि भूटान में जो है वो डिफरेंस ज्यादा होगा इंडिया की अपेक्षा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, भूटान हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फीचर नहीं है? इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, बिल्कुल प्रोवाइड करता है। इट स्पेसिफाइज द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारतीय गवर्नमेंट ये सरकार के पावर को स्पेसिफाई करता है, बिल्कुल सही है। इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये किसी भी लैंड का यानी किसी भी राज्य का किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है, एकदम सही है। इट स्पेसिफाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, ये किसी की भी सुप्रीमेसी को स्पेसिफाई नहीं करता, यानी कि ये ऑप्शन आपका डी सबसे ऊपर संविधान होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, ये हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है ही हैज द राइट ऑफ
ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. गलत है, ओनली नहीं होगा, ये भारत किसी भी जो है वो कोर्ट में जो है वो ऑडियंस कर सकता है, यानी कि सुनवाई कर सकता है. तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे. Who among the following describe the directive principle of state policy as the novel feature of the Constitution of India? राज्य के निधिशक तत्व को किसने जो है वो भारतीय संविधान का नोवेल फीचर कहा था? तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इसको आपको याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज आर करेक्ट? इनलार्ज द गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉज, द गवर्नमेंट जनरल वॉज नॉट ऑथराइज्ड. ये गलत, ये सही है, नॉट ऑथराइज्ड. गवर्नर जनरल जो था ऑथराइज्ड था टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए. तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तत्वबोधिनी पत्रिका? तत्वबोधिनी पत्रिका जो है वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ये बंगाली भाषा में लिखी गई पत्रिका थी. तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा. In which one of the following year did the British demarcate a large area of land as Dominic Cove for settling the Santhal? Santhal के settling के लिए Dominic Cove जो है वो के रूप में एक land को जो है British Democrat बड़े area को जो है उनके लिए settling किया गई थी. ये 1832 में किया गया था. क्वेश्चन टफ आ गए हैं, 73 क्वेश्चन, ये टफ है, इस क्वेश्चन को छोड़ने वाला था, ये बहुत डीप में पूछ लिया गया है. ऐसे क्वेश्चन जो है एनडीए के बच्चों के लिए नहीं होते हैं, तो जहां तक हो सके तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करो जिससे आपका नेगेटिव आपका मार्किंग नहीं होगी. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको याद रखना होगा कि मणिपुर से नहीं गुजरती है, इसको आपको याद रखना है. 74 ऑप्शन इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप एंड प्रोडक्ट इज आर करेक्टली मैच्ड? फूड क्रॉप, रागी फूड क्रॉप है, कैश क्रॉप जूट कैश क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप कोकोनट है, तीनों मैच है, यानी कि इसका आंसर आपका सी हो जाएगा. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड इज नॉट लोकेटेड इन झारखंड? झारखंड में कौन सा कोल फील्ड नहीं लोकेटेड है? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड बिहार से अलग होके बना था, और आपका जो छत्तीसगढ़ है वो एमपी से कट करके बना था. झरिया, रामगढ़ और देवगढ़ ये तीनों झारखंड में है, उमरिया जो है वो एमपी में है. तो डी ऑप्शन इसका सही जाएगा, झारखंड में नहीं है उमरिया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड? यानी कि सबसे लंबा जो है लेटिट्यूड कौन सा है? तो पैरेलल इक्वेटर. अगर हम अर्थ की बात करें, ये अर्थ है मान लीजिए, तो सबसे लंबा कौन होगा आपका? इक्वेटर होगा, 0 degree, जी आपका इक्वेटर. तो इसका आंसर आपका सी हो जाए, डी हो जाएगा. द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो पीरियोडिकली जो है ओशन का जो है राइज और फॉल होता है पानी का, उसको क्या कहते हैं? तो टाइड कहते हैं, ज्वार और भाटा. सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो अर्थ है उस पर पानी जो है वो उसकी अपने ओर खींचता है, इससे ज्वार और भाटा आते हैं. दो तरफ ज्वार आएगा और इसके इस साइड में क्या आएगा? भाटा आएगा, टाइड्स आते हैं. नीप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास्ड इन 1881 इज आर करेक्ट? इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो है पास हुई थी 1810 में, उसके लिए कौन सा सही है? द एक्ट डील्ड प्राइमरली विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, ये सही है. द एक्ट लेड डाउन दैट चिल्ड्रन बिटवीन 7 ईयर एंड 12 ईयर ऑफ एज वुड नॉट वर्क फॉर मोर देन 9 आवर एज डे, ये भी सही है. उन्हें कहा गया था कि 7 साल और 12 साल के बच्चे जो है 9 घंटे से ज्यादा जो है काम नहीं करेंगे. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही है, सी ऑप्शन सही होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन इज आर करेक्ट? यानी कि अस्पृश्यता के खिलाफ जो है वो जो महात्मा गांधी का जो कैंपेन था, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ वाज फाउंडेड फॉर दिस पर्पस, ये सही है, इसको किया गया था.
campaign was to root out undesirability since it did not enjoy the sanction of the Hindu Shastra. ये हिंदू शास्त्र में undesirability का था, बहुत गंभीर रूप से फैला हुआ था. तो ये दो आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही. फाउंडर ऑफ द परमहंस मंडली फाउंडेड इन महाराष्ट्र बिलीव्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो परमहंस मंडली जो थी वो एकेश्वरवाद में विश्वास करती थी, वन गॉड में विश्वास करती थी, और कास्ट रूल था उसको तोड़ने का, जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए जो ये काम करती थी. तो डी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा. अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इश्तहार इशूड ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट. 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें इश्तहार जो था उसके बारे में कौन सही है. दे ग्लोरीफाइड द मुस्लिम रूल इन इंडिया, गलत. दे ग्लोरीफाई द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर. दे ग्लोरीफाई द मैसेज ऑफ इस्लाम. दे ग्लोरीफाई द रोल ऑफ क्वीन विक्टोरिया. तो इसका दे ग्लोरीफाई द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर. बी ऑप्शन इसका आपका सही है, 82 का. ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द फ्लाइंग शटल लूम. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय में फ्लाइंग शटल लूम किसने डिजाइन किया था. तो इसका आंसर आपका जॉन की ने किया था, इसको आपको याद रखना है. फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मैचिंग का है, डैम को स्टेट से मैच कराना है. तो आपको पता है कि हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, पंचेत झारखंड में है, कोसी बिहार में है, उकाई गुजरात में है. तो इसको अगर मैच करेंगे तो आपका सही आंसर क्या आ जाता है, आपका ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 84 क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन वर्क ऑफ अ रिवर. रिवर इरोड भी कर रही है और डिपोजिशन भी कर रही है, अपरदन भी कर रही है और जमाव भी कर रही है. तो अपरदन और जमाव से जो बनते हैं वो रैपिड्स होते हैं. उनको ध्यान में क्या होते हैं, रैपिड्स बनते हैं. ऑक्सबो लेक जो होते हैं वो डिपोजिशन से बनते हैं, इसको आपको ध्यान रखिएगा. गोकुर झील जो बनती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. भारत में इंडिया के एग्रीकल्चर की कौन सा फीचर नहीं है. सब्सटेंस एग्रीकल्चर यानी कि निर्वाह किसी केवल अपने को खाने के लिए, ये शुरू से रहा है, एकदम सही है. प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर हमेशा से रहा है. जनसंख्या कृषि पर जनसंख्या का दबाव हमेशा से रहा है, एकदम सही है. डिपेंड्स अपॉन मानसून, भारत की कृषि मानसून पर डिपेंड, एकदम सही है. प्रीडोमिनेंस ऑफ कैश क्रॉप, हमारे यहाँ जो है वो नकदी फसलों को लेकर के ज़्यादा खेती बड़े लेवल पर नहीं की जाती है, यही जो है हमारे यहाँ की फीचर इंडिया की कृषि की नहीं है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफाइड सब मिशन ऑफ द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन. इनमें से कौन सा जो है सब मिशन नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में शामिल नहीं है. तो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट शामिल है, फीडर एंड फीड डेवलपमेंट शामिल है, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एग्जिस्टेंशन शामिल है. इसमें आपका पिक डेवलपमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में शामिल है. इसका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रॉट द फेमस टेक्स्ट डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी. डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी जो रूसो के द्वारा लिखी गई थी, इसको याद रखिएगा. इसका आंसर आपका सी इज द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following statement about the resolution adopted in the Karachi session of the Indian National Congress with regard to fundamental right and economic policies are correct? So, resolution adopted in the Karachi session में जो Indian National Congress का हुआ था उसमें fundamental right और economic policy के लिए कौन सही है? It was opposed by Ambalal Sarabhai. Its 20 point included demands for civil liberties and adult suffers. इसका दूसरा सही है, पहला जो है गलत स्टेटमेंट है. अपोज नहीं किया था इन्होंने, इसको ध्यान रखें कि सेकंड इज द करेक्ट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ कमीशन हेडेड बाय लॉर्ड मैकाले. लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो लॉ कमीशन हेडेड किया गया था उसके लिए कौन सही है. अटेम्प्ट टू कोडिफाई द लॉ. It was opposed to uniform system of court. तो दूसरा oppose नहीं किया गया था, ये गलत है, पहला statement सही है, यानी कि one is the correct answer.
नेक्स्ट रिंकू सिंह एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हु डाइड रिसेंटली, अभी 2021 में जो है रिंकू सिंह की डेथ हुई है, ये किस खेल जुड़े हुए थे, तो ये बॉक्सिंग जुड़े हुए खिलाड़ी थे, इनकी डेथ हो गई है, तो ये 91 का बी ऑप्शन सही है। Among the following is the lone Indian cricketer included in the ICC Hall of Fame special induction to mark the inaugural ICC World Test Championship final. Vinu Mankand को जो है वो ये lone India cricketers जो है उसमें जोड़ा गया है ICC के। T option सही है। Which one of the following nation is not a permanent member of G7? तो भारत जो है वो G7 का परमानेंट नंबर नहीं है, ये जो आपके डेवलप कंट्रीज हैं कनाडा फ्रांस इटली ये इसमें शामिल है, साथ में G7 में 7 कंट्री शामिल है, तो इंडिया नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑपरेशन ओलिविया इज अ इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट ओलिव रिडली टर्टल, ओलिव रिडल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑपरेशन ओलिविया बनाया गया है, इसको इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है वो ये जो है वो के अंडर में काम कर रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। Among the following is the winner of the French Open. French Open जो है men single की बात अगर की जा रही है 2021 का final तो Novak Djokovic ने जीता है। इसका answer आपका A हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसको आपको ध्यान रखना है। Next question. Economist Rebecca Greenspan, who recently become the first woman to be appointed as the head of the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. Hails from कहाँ से है, तो कोस्टा रिका से। इकोनॉमिस्ट रेबेका क्रिस्टन जो है वो कोस्टा रिका से शामिल। अगला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो एक फॉरेन पॉलिसी है इनिशिएटिव चाइना की, यानी कि ए आंसर इसका आपका सही है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021। तो 2021 का जो यो इंटरनेशनल योगा डे है उसकी थीम थी योगा फॉर वेलनेस, तो यहाँ पे जो मिलता जुलता आंसर है वो क्या है, योगा फॉर वेलबींग, तो इसको हम सी को लगा देंगे, योगा फॉर वेलबींग यानी कि योगा फॉर वेलनेस एक ही चीज है, सी इज द करेक्ट आंसर। 99 केनेथ कोंडा हु डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 97 वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ, किनेथ कोंडा जिनकी अभी 97 साल की उम्र में मृत्यु हुई है वो जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हाल ही में मेड इन इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, इसको हम शॉर्ट में इन यूनाफोर कहते हैं, एक्सरसाइज 2021 ये कहाँ पे हुआ, तो इन यूनाफोर जो है वो आपका गल्फ ऑफ एडन में हुआ है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये थे करेक्ट आंसर जो आज आपका पेपर हुआ एनडीए सेकंड 2021 का। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया होगा, अपने क्वेश्चंस को अपने पेपर को मैच कर लिया होगा और अच्छा किया होगा आप लोगों ने, है ना। और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज पेपर देने के लिए और अच्छे तरीके से करने के लिए, सभी लोग सेलेक्ट हो गए, और जिनको कुछ लग रहा हो कि कहीं डाउट रह गया है, उनका कहीं कुछ कम रह गया है, तो फिर से एक बार एनर्जी के साथ लग जाइए, पेपर आपने देख लिया है, इसी लेवल का पेपर आएगा, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस जो चीज़ पढ़िए आप कॉन्सेप्ट से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए, आपके आंसर आराम से हो जाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।